हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल न्यू रेसिपी जिसमें हम कलाकंद बनाएंगे और ब्रेड से बनाएंगे उसको बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे और हम इसको पेस्ट्री स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हमने किस तरीके से इसको बनाया है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 1 लीटर दूध डालेंगे। दूध को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, दूध हमने कढ़ाई में कर लिया है। तो इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी हम इसके अंदर 4 चम्मच ऐड करेंगे। 1 लीटर दूध के अंदर हम 4 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो उसी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा देंगे चीनी की। तो इसमें एक उबाल आ गया है, तो इसको हम थोड़ी सी हमने जाफरान ली है उसके अंदर हम गर्म दूध डालकर रख देंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसके अंदर। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा दूध हम इसके अंदर और निकाल रहे हैं, 200 ml के करीब हमने दूध बाहर निकाल लिया है इसी कढ़ाई में से। ये जो हमने दूध निकाला है इसको भी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसको पकने देंगे। जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक हम ब्रेड निकाल लेते हैं। हमने ये 9 ब्रेड लिए हैं, इनके किनारे हटा लेंगे पहले हम। एक एक करके ब्रेड लेंगे और चारों तरफ से इसके किनारों को हटा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम सारे ब्रेडों के किनारे हटा लेंगे। हमने 6 ब्रेड के किनारे हटाए हैं। अब एक ट्रे लेंगे, ट्रे में पहले हम इसको सेट करके देखेंगे। इस तरीके से हम पहले एक पीस लगाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, इस तरीके से उसके ऊपर एक और लगाएंगे। और एक ब्रेड में से हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं साइड के लिए, तो इस तरीके से हम इनको भी रख देंगे। तो टोटल हमने इसमें 6 पीस लगाए हैं, यानी 6 ब्रेड लगाए हैं। ट्रे के ब्रेड हमारे सेट हो गए हैं, तो हम इसको गोल शेप में काटेंगे। इसके लिए हमने एक कटोरी ली है और इसको इस तरीके से हम निकाल लेंगे, इसके किनारों को हटा देंगे। और गोल शेप में हमारा ब्रेड कटकर तैयार है। इसी तरीके से हम 3 ब्रेडों को काट लेंगे। गोल ब्रेड भी हमने काट लिए हैं इस तरीके से। तो वह हम देख लेते हैं कि हमारा दूध गाढ़ा हुआ है या नहीं। और दूध हमारा गाढ़ा होने पर आ रहा है, तो थोड़ी देर और पकाएंगे हम। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम मेहनत में ये तैयार हो जाएगा। और जो हमने जाफरान में दूध डाल के रखा था तो अब हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि दूध गाढ़ा होने वाला है। रबड़ी बनकर हमारी तैयार है, तो हम फ्लेम को बंद कर रहे हैं। रबड़ी को हमने इस बर्तन में कर लिया है और थोड़ी ये ठंडी भी हो गई है। तो अब हमने ब्रेड जो काटे थे गोल शेप में उसका एक पीस लेंगे। सबसे पहले हम उसके ऊपर दूध डालेंगे, जो हमने दूध निकाला था कढ़ाई के अंदर से उसको इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से चारों तरफ, ताकि ब्रेड थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। दूध डालने के बाद जो हमने रबड़ी तैयार करी है वो इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से चारों तरफ फैला कर हम इसको लगाएंगे। थोड़ी रबड़ी और डाल लेंगे इसके अंदर, सारे किनारों तक हम इसको लगाएंगे अच्छे से। एक ब्रेड पर अच्छे से रबड़ी लग गई है, तो दूसरा पीस लेंगे ब्रेड का जो हमने काट के रखा हुआ था उसको इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा हाथ से दबाएंगे। और फिर इसके ऊपर दूध डालेंगे जो हमने निकाला था, इसी तरीके से हम दोनों ब्रेडों पर डालेंगे। और फिर इस पर रबड़ी डालेंगे, रबड़ी डालकर फिर अच्छे से फैलाकर लगाएंगे चारों तरफ किनारों तक। और तीसरा ब्रेड जो हमने गोल शेप में काटा था वो लेंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे, हल्का सा इसको दबाएंगे, फिर इसके ऊपर दूध डालेंगे जो हमने निकाला था कढ़ाई से। और इसके ऊपर भी अच्छे से रबड़ी लगाएंगे। ऊपर के हिस्से पर हमें थोड़ी ज़्यादा रबड़ी लगानी है, क्योंकि हम इसे पेस्ट्री स्टाइल में बना रहे हैं, तो पेस्ट्री पर ऊपर ज़्यादा क्रीम होती है। तो इसी तरीके से हम रबड़ी को ज़्यादा लगाएंगे ऊपर, और चारों तरफ भी इसके रबड़ी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा कर कर, थोड़ी थोड़ी लेंगे और इसके साइडों में भी लगाएंगे इस तरीके से।
चारों तरफ हमने इसके लगा दिया है, ये बिल्कुल तैयार है। तो हम इसको आधे घंटे के लिए अभी फ्रिज में रखेंगे, फिर बाकी का काम इसमें हम बाद में करेंगे। गोल वाले ब्रेड को तो हमने पेस्ट्री स्टाइल में तैयार करा है, तो अब हम ट्रे लेंगे, बाकी जो हमने ब्रेड काट कर रखे थे उसको इसके अंदर लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम रबड़ी डालेंगे, रबड़ी डालकर चारों तरफ इस तरीके से हम फैला लेंगे। जो हमने ब्रेड काट कर रखे हैं वो इसके अंदर सेट करेंगे इसी तरीके से जैसे हमने आपको शुरू में दिखाए थे। तो हम एक एक पीस रख देंगे और साइडों के जो हमने पीस काट के रखे थे आधे आधे उसको भी इसी तरीके से इसके अंदर सेट कर देंगे। और फिर इसके ऊपर से हम जो हमने दूध निकाला था वो इसके ऊपर से डालेंगे। इन ब्रेड पर हम थोड़ा ज़्यादा दूध डालेंगे क्योंकि हम इसको कलाकंद शेप में बनाएंगे। अच्छे से सारे ब्रेडों पर दूध डाल लेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। फिर इसके ऊपर जो हमने रबड़ी तैयार करी है वो डालेंगे, उसको भी अच्छे से लगाएंगे। सारे ब्रेड पर अच्छे से फैलाकर रबड़ी को लगा लेंगे। रबड़ी लगाने के बाद जो हमारे बचे हुए ब्रेड हैं, अभी हमने तीन ब्रेड लगाए हैं इसके अंदर, तीन ब्रेड अब अभी हमारे बचे हुए हैं, तो इसके ऊपर से उसको दोबारा रखेंगे इस तरीके से और हल्का सा इसको दबा देंगे। इस तरीके से सारे ब्रेडों को उसके ऊपर सेट कर देंगे और फिर दोबारा जो हमारा बचा हुआ दूध है ब्रेडों के ऊपर डालेंगे इस तरीके से ही जैसे हमने पहले डाला था। अच्छे से इनको सॉफ्ट होने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध डाल देंगे इसके ऊपर और फिर दोबारा हम रबड़ी जो हमारी बची हुई है सारी रबड़ी को इसके ऊपर से लगा देंगे। सारी रबड़ी को हमने अच्छे से सेट कर दिया है सारे ब्रेड पर, आप देख सकते हैं। इसको भी हम कम से कम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे थोड़ा सेट होने के लिए। तो आधा घंटा हमारा हो गया है, हमने गोल वाली कलाकंद को बाहर निकाल लिया है। तो इसको थोड़ा गार्निश के लिए हमने पिस्ते को कद्दूकस में घिस लिया था, इसको इसके किनारों पर डालकर हम इसको अच्छे से सजाएंगे। और बीच में हमने थोड़े से बादाम काट कर रखे हैं और इस तरीके से हमारी पेस्ट्री स्टाइल में कलाकंद बनकर तैयार है। और आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस लग रही है। तो इसको हम बाद में टेस्ट करेंगे, पहले हम जो हमने आधे घंटे के लिए ट्रे वाली की कलाकंद को रखा था उसको भी सेट कर लेते हैं। तो उसको भी हमने बाहर निकाल लिया है, आधा घंटा हमारा हो गया है इसको फ्रिज में रखे हुए। तो इस पर भी हम इसको भी अच्छे से हम सजाएंगे। इस पर भी हमने घिसा हुआ पिस्ता डाला है और कटे हुए हम इस पर बादाम डालेंगे चारों तरफ इस तरीके से। और ये वाली कलाकंद भी बनकर हमारी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। इसको भी हम अभी आपको काट कर दिखाएंगे। पहले हम ट्रे वाली कलाकंद को काट लेते हैं और काटने में भी बहुत सॉफ्ट सी ये बनकर तैयार है। इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है, बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुई है और बहुत ही कम सामान में कम बजट में इतनी सारी कलाकंद बनकर तैयार है। एक लीटर दूध में हमने इतनी सारी कलाकंद को तैयार कर लिया है, बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुई है। तो गोल वाली पेस्ट्री कलाकंद को भी हम काट लेते हैं, इसको भी हम इस तरीके से ही काटेंगे जैसे हम केक काटते हैं पेस्ट्री को काटते हैं, इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। एक पीस काट कर हम इसको बाहर निकाल लेंगे और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुआ है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।